आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, बारिश और तेज हवा बढ़ाएगी ठंड, यूपी राजस्थान और पंजाब में चलेगी गंभीर शीतलहर, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी झेल रहे लोगों को अभी और जो है सर्द मौसम झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दरअसल पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड और बढ़ने वाली है, खासकर राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो है शीतलहर चलने की चेतावनी दी है, यहाँ पर कुछ इलाकों में जो है शीतलहर चल सकती है। वहीं आने वाले दिनों में जो है गंभीर शीतलहर के हालात बन सकते हैं। वहीं दिल्ली NCR में भी ठंड का प्रकोप और तेज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आगामी कुछ दिनों में झमाझम बारिश होने वाली है, बारिश के कारण यहाँ पर सर्द मौसम और भी ज़्यादा सर्द यहाँ पर हो जाएगा। वहीं बारिश के साथ ही तेज ठंडी पछुआ हवा जो है भयंकर ठंड का आलम जो है बनाने वाली है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इन राज्यों में जो है गंभीर शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। निजी मौसम पूर्वानुमान जैसे स्काईमेट वेदर की अगर बात करें तो स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि के तहत उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। एजेंसी का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर शीतलहर की यहाँ पर संभावना है। वहीं दिल्ली NCR के मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कल से जो है दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में जो है सर्दी जो है बढ़ गई है। यहाँ पर जो सरपतगंज क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 12.5 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 7 के आसपास दर्ज किया गया। एजेंसी के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली NCR के लोगों को हाड़कंपा देने वाली सर्दी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 9 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होगी और 11 तारीख से थोड़ी राहत यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। वहीं पूर्वानुमान में आगे यहाँ पर कहा गया है कि लक्षद्वीप, केरल और तटीय कर्नाटक में भी मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर जो है ओलावृष्टि हो सकती है, यानी ओलावृष्टि की चेतावनी उत्तर भारत में दी गई, लेकिन लक्षद्वीप, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा और इसके अलावा निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर भी कुछ इलाकों में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और MP के कुछ क्षेत्रों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। गोवा व दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बात अब करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान में जो है लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी राजस्थान में जो है लगातार सर्दी जो है बढ़ रही है। आगामी दिनों में राजस्थान में सर्दी के तेवर और भी तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहां पर दी गई है कि आने वाले दिनों में जो है राजस्थान में सर्दी और बढ़ेगी। वही -3 डिग्री पारा जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में पहुंच चुका है। वही आगामी दिनों में जो है माउंट आबू में तापमान और भी गिर सकता है। वही राजस्थान के लगभग 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा भी फिलहाल छाया हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो है राज्य में सबसे कम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। वही जयपुर में जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वही 26 जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से नीचे दर्ज किया गया। घना कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई। वही राजस्थान के सीकर और यहाँ पर माउंट आबू में पारा माइनस और सीकर में पारा जो 1 डिग्री और माउंट आबू -3 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के आज कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। तो राजस्थान के मौसम को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट है कि राजस्थान में आगामी दिनों में जो है कोल्ड डे की स्थिति यानी शीतलहर जो है चलने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यूपी के मौसम की, तो यूपी में आज और कल 2 दिन तक बारिश के आसार जताए गए। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चल रही शीतलहर से लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का घर से निकलना यहाँ भी यहाँ पर दुश्वार हो गया है। वही शीतलहर की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। तापमान लगातार गिर रहा है। इससे यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के बीच जो है लखनऊ मौसम विभाग केंद्र ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले दिनों में जो है कोल्ड डे यानी दिन बहुत सर्द रहेंगे रात की तरह। यही नहीं, कोल्ड डे का मतलब ये भी होता है कि अधिकतम तापमान अपने सामान्य यहाँ पर डिग्री से जो है कम रहेगा। तो यूपी में जो है गंभीर यहाँ पर कोल्ड डे की स्थिति की बात यहाँ पर कही गई है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं बिहार के मौसम की, तो बिहार में जो है मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी चेतावनी हुई है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना व आसपास के क्षेत्रों में 5 दिन अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान विशेष अंतर की संभावना रही है। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया है।
वही कल जो है हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दिन में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ सड़कों पर बूंदाबांदी होने के आसार जरूर जताए गए हैं। बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में जो चक्रवाती हवा जो है वो दक्षिणी यूपी के ऊपर बनी हुई है और एक और जहाँ पर चक्रवर्ती परिसंचरण जो है हरियाणा के आसपास बना हुआ है, इससे मौसम में जो है वो बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी मौसम में लगातार बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। आगामी दिनों में और भी जो है इसी तरह की स्थिति हो सकती है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं।